पीएम मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि मुट्ठीभर सीटों पर चुनाव लड़कर के ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती है। मोदी ने आगे कहा कि अगर ऑक्शन से प्रधानमंत्री का पद मिलता है तो दीदी और कांग्रेस ने जो माल जुटाया है वही लेकर के ऑक्शन में आ जाते हैं, और कहा कि स्पीड ब्रेकर दीदी का मॉडल तृणमूल टोलाबाजी टैक्स पर आधारित है। उनका मॉडल कोल, बालू, आयरन और जमीन माफिया पर आधारित है। उनका मॉडल यह है कि पहले घुसपैठियों को आने का रास्ता दो और फिर बंगाल के संसाधनों में उन्हें लूट का हिस्सा दो। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि टीएमसी की आज यह स्थिति हो गई है कि रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं तो विदेशों से फिल्मी कलाकार बुलाने पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। साथ में तृणमूल कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए वो विदेशों से फिल्मी कलाकारों को बुला करके अपनी रैलियों में भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। अगर ऑप्शन से प्रधानमंत्री का पद मिल जाता तो कांग्रेस और दीदी दोनों ऑप्शन में जो माल लूटा है उसको लेकर के आ जाते। दीदी ये प्रधानमंत्री पद ऑप्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। ये प्रधानमंत्री पद 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से मिलता है। ये प्रधानमंत्री पद सामान्य मानवीय के जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दीदी आपको ये भी तो बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान से आप अपने रैली से लाए फूल लेकर संबंध बनाओगी क्या? क्या ये रैली के फूलों से पाकिस्तान मान जाएगा? क्या आतंकियों से आप ये कहोगी कि आपने अपने आतंकी होने का सबूत लाओ, आप उसको आतंकी होने का सबूत मांगोगे क्या?